गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मिडिवल आर्किटेक्चर वाला चैप्टर। तो इस चैप्टर के हमने एक्सरसाइज भी किए थे, जैसे कि फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल और मैच द कॉलम। तो इसके साथ साथ हमने ब्रीफ क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था। तो आज हम डिटेल क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट एक्सचेंज ऑफ आर्किटेक्चुरल आइडिया कैन बी विटनेस इन द मिडिवल पीरियड। क्या एक्सचेंज हमें आर्किटेक्चुरल आइडिया में देखने को मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडिवल पीरियड में। तो इसका आंसर है दिस स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर बोरोड सर्टेन एलिमेंट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर सच एज काउंटर यार्ड सराउंडिंग बाय द कॉलोनेड्स एंड बैल्कनीज विद ऑर्नेट ब्रैकेट्स द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ब्रॉट बाय द तुर्किश रूलर इंक्लूड द डॉम्स आर्चिज मोटिव्स मोसेकिस मेहराब्स एंड मिनारेट्स। ये सारे चीज़ जो है हमें देखने को मिला था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मिडिवल पीरियड में। तो द स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर बोरोड द सर्टेन एलिमेंट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर सच एज काउंटर यार्ड सराउंडिंग बाई द कॉलोनेड्स एंड द बैल्कनीज विद ऑर्नेट ब्रैकेट्स द आर्किटेक्चर स्टाइल ब्रॉट बाई द तुर्किश रूलर इंक्लूड द डॉम्स आर्चर्स मोटिव्स मोसेक्स मेहराब्स एंड मिनरेट्स। क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द आर्किटेक्चर इन अचीवमेंट ऑफ द शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे क्या आर्किटेक्चुरल अचीवमेंट किया था, उसको ब्रीफली डिस्कस करना है। तो इसका आंसर है द मोस्ट फेमस मोन्यूमेंट दैट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द शाहजहां वॉज अ ताजमहल एंड एक्टोगोनल टॉम्स विद अ ब्यूटिफुल डॉम्स एंड अ फोर मिनरेट्स सच इन अ मोगल स्टाइल गार्डन। द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मार्बल आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल एरा। इन 1639 शाहजहां शिफ्टेड हिज कैपिटल टू द दिल्ली एंड मेड अ न्यू सिटी शाहजहानाबाद। विद इन द वॉल्स ऑफ द सिटी द मैसिव रेड फोर्ट एंड शाहजहां एंड जामिया मस्जिद वेर बिल्ट। द रेड फोर्ट कंटेन मेनी रिमार्केबल मॉन्यूमेंट इंक्लूड द दीवाने आम दीवाने खास एंड रंग महल। ये सारे चीज़ जो है वो शाहजहां ने बनाया था शाहजहां के टाइम पे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पेटरा डूरा नेम वन मॉन्यूमेंट ऑफ द मिडिवल पीरियड दैट हैज आई यूज द टेक्निक ऑफ द पेटरा डूरा। इसका आंसर है वन ऑफ द फेमस आर्किटेक्चुरल स्ट्रक्चर बिल्ट ड्यूरिंग हिज रीजन वॉज अ टॉम ऑफ द इत्मादुल्ला इन आगरा। The tomb built by the Noor Jahan in the memory of her father in a brilliant example of the Petra Dura. Petra Dura is a pictorial mosaic inlay using semi-precious stone style in architecture. One of the famous architectural structures built during his reign was a tomb of Itmadullah in Agra. The tomb built by the Noor Jahan in a memory of her father is the brilliant example of the Petra Dura. Petra Dura is a pictorial mosaic inlay using semi-precious stone style in architecture. Last question देखिए, what did regional architecture developed on a large scale during the Aurangzeb time? जो रीजनल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप्ड हुआ था लार्ज स्केल में ड्यूरिंग द औरंगज़ेब के टाइम पे।
मतलब क्यों डेवलप्ड हुआ था, क्यों मतलब लार्ज स्केल में रीजनल आर्किटेक्चर जो है वो डेवलप्ड हुआ था ड्यूरिंग द औरंगजेब के टाइम पे, तो इसका आंसर है द 5th सेंचुरी विटनेस द बर्थ ऑफ द मेनी रीजनल किंगडम सच इज विजयनगरा एंड बहिमा एंड अ किंगडम ऑफ द गुजरात मारवा जौनपुर एंड ए बंगाल। ड्यू टू द औरंगजेब रिजिड पॉलिसी मेनी आर्टिस्ट माइग्रेट टू द रीजनल किंगडम। ड्यू टू दिस रीजन द आर्किटेक्चर ऑफ द रीजनल किंगडम थियूज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो क्या हुआ था, जो 15th सेंचुरी में बहुत सारे रीजनल किंगडम जो है वो पैदा हुआ था, तो इसके वजह से बहुत सारे रीजनल किंगडम बने थे। तो औरंगजेब के रिजिड पॉलिसी की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट हुआ था रीजनल किंगडम की तरफ, तो इस वजह से क्या हुआ था रीजनल किंगडम जो आर्किटेक्चर ऑफ द रीजनल किंगडम जो है वो डेवलप्ड हुआ था मिडिवल पीरियड में। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।